अब जो एक्सक्लूसिव खबरें निकल के सामने आ रही है, जी हाँ, जन जन की आवाज़ जीएन भारत फिर से आपके समक्ष मौजूद है। और कल रात में जो पूरा देश जो एक ड्रामा देखा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स क्राइसिस जो हुआ है रातों रात, हमने सुना है कि रातों रात ज़िंदगी बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, सत्ता बदल जाता है। जी हाँ, हमने रातों रात सत्ता बदलते हुए भी पूरे देश ने देखा कैसे महाराष्ट्र में, जहाँ एक दिन पहले तक उद्धव ठाकरे जो थे वो सीएम थे और वहीं कल शपथ ले लिया है एकनाथ शिंदे ने, अब वो है महाराष्ट्र के नए सीएम। बीजेपी ने अपना खेल खेल दिया, पूरा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में जो भूचाल लाया है उसका साक्षी पूरा देश बना है। लेकिन अब जो दूसरा स्टेट है, कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ अब वही झारखंड में भी दोहराने वाला है, सूत्रों की मिली जानकारी। और साथ ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवेंदु अधिकारी ने भी ये पुष्टि की है और दावा किया है कि जो हालात महाराष्ट्र में बने हैं वही हालात झारखंड में भी बनेंगे और झारखंड में भी बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस राजद और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है वो टूट जाएगी और सेम जब महाराष्ट्र में ये खेल सकती है तो झारखंड भी ज़्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अगर ऐसा दावा करते, इसके साथ ही जीएन भारत ने जब यही सवाल रांची के सांसद संजय सेठ से पूछा तो आप साफ तौर पर देखिए ये सवाल पे बिल्कुल भागते नजर आए, उन्होंने इस सवाल का बिल्कुल नजरअंदाज किया, साफ तौर पर कहा मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो आप जैसा देख सकते हैं, हमने आपको इससे पहले भी संजय सेठ के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाए हैं, हमेशा ये चाहे बीजेपी का कोई और नेता हमेशा बहुत मुखर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन को क्रिटिसाइज करने में या फिर उनकी पॉलिसी में कमियां निकालने में, लेकिन आप देख सकते हैं उनके खिलाफ बोलने से जहां अभी कुछ दिन पहले तक हमने आपको कल भी दिखाया था, कुछ दिन पहले तक सारे बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, अब कोई एक शब्द बोलने के लिए रेडी नहीं है। आप खुद ही विजुअल में देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सवाल को पूरी तरीके से काटते और हाथ दिखाकर वो निकल गए संजय सेठ, उन्होंने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया इस सवाल पे। तो ये चुप्पी आखिर क्या कहलाता है, ये चुप्पी आखिर क्या समझे इस चुप्पी को। और जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में जाके अमित शाह से इसी बीच मिल लेते हैं, क्योंकि अगर जो लंबित मामला है उसमें अगर सीएम हेमंत सोरेन दोषी करार देते हैं, दोषी अगर निकलते हैं तो पक्का बीजेपी यहां पे खेल सकती है। बता दें अभी करण सिन्हा और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक है वो बीजेपी का जो दामन है वो थाम सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आसू और एनसीपी और निर्दलीय के जो विधायक है वो भी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। पूरा का पूरा जो समीकरण है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल समीकरण यहाँ पे बदलता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन एक नया पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है, जो महाराष्ट्र में देखा रातों रात हुआ, क्या पता झारखंड में होगा कि नहीं। लेकिन आपको बता दें अभी जो करंट सिनेरियो है, 81 विधायक है टोटल, 81 में से कम 30 जेएमएम के हैं जिसमें 25 बीजेपी के हैं और 16 कांग्रेस के हैं। जी हाँ, तो यानी बीजेपी के पास भी 25 है, तो अगर इसमें कांग्रेस टूटती है या फिर ये सीएम हेमंत सोरेन दोषी पाए जाते हैं, आपको बता दें सब सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा जांच चल रहा है, कहीं ना कहीं जो गेंद है वो सेंट्रल एजेंसी और कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में देखा जा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र का जो इतिहास अभी जो हुआ है सिनेरियो, क्या वो भी झारखंड में दोहराया जाएगा? लगातार ट्वीट्स और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अधिकारी ने जो दावा किया है इससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि झारखंड के भी सत्ता के गलियारे में कोई बहुत बड़ा भूचाल, और जिस तरीके से बीजेपी के नेता आपने खुद देखा बचते हुए नजर आ रहे, भागते हुए नजर आ रहे सवाल में, साफ है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भूचाल झारखंड पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं शिखा से अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।